आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से मालपुआ। साथ ही मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आपके मालपुए बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। मालपुए आप चाहे चाशनी वाले बनाएं या फिर बिना चाशनी के बनाएं, दोनों ही बहुत ही अच्छे लगते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मालपुए हमारे बिल्कुल रुई की तरह नरम बने हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मालपुए बनाने के लिए एक बाउल में यहाँ पर हम लेंगे एक कटोरी गेहूँ का आटा। यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच सौंफ लिया है, इसे मैंने मोटा मोटा हल्का कूट लिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे आधी छोटी चम्मच लेंगे इलायची पाउडर और यहीं पे हम दूध इसमें ऐड करेंगे। जैसे हम चीले के लिए बैटर बनाते तैयार करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमें एक बैटर बना के तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा दूध यहाँ पर हम ऐड करते जाएँगे और इसका बिल्कुल अच्छा सा हम बैटर बना के तैयार करेंगे। लम्स इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसे बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स करना है। इस स्टेज पे आप चाहें तो यहाँ पे खोया भी डाल सकते हैं, मिल्क मेड भी डाल सकते हैं। अगर आप केले के मालपुए बनाने चाहते हैं तो केला भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम चाशनी वाले मालपुए बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने चीनी ऐड नहीं किया है, पर अगर आप बिना चाशनी वाले पुए बना रहे हैं तो यहाँ पर आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इसे आप चाहिए तो पूरा कम्प्लीटली दूध से आप इसका बैटर बना सकते हैं या फिर आप आधा पानी और आधा दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है, यहाँ पे बिल्कुल भी लम्स नहीं है। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसी तरीके से बैटर को रख रही हूँ, अगर हमें ज़रूरत होगा तो बाद में इसमें हम और थोड़ा पानी यहाँ पे ऐड करेंगे। बैटर को हमें रेस्ट पर रखना है 15 से 20 मिनट तक के लिए, ताकि इसमें जो हमारा आटा है गेहूँ का आटा बिल्कुल अच्छे से फूल जाए और पुए हमारे बिल्कुल नरम बने। तो यहाँ पे हम चाशनी वाले मालपुए बना रहे हैं तो इसके लिए एक चाशनी तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 3/4 कटोरी ले ली है चीनी और सेम उतना ही मैंने लिया है पानी। तो जितना हमें चीनी लेना है उतना ही हमें पानी लेना है। यहाँ पे हम बहुत ही थोड़ा सा केसर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप स्किप कर सकते हैं दोनों ही चीज़ों को। तो यहाँ पर इसमें अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पे हमें कोई एक तार की या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, जस्ट इसे बॉयल आने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक के लिए हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पे अच्छा सा बॉयल आ गया है, ये हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर देंगे, इसे हम ढक के रखेंगे। तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट बीत चुके हैं और ये हमारा बैटर बिल्कुल फूल चुका है। आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा पहले से थोड़ा और थिक हो गया है, फूलने के बाद बैटर और थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। एक बार फिर से इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि बैटर अगर थिक रहेगा तो हमारे पुए कैसे बनेंगे और बैटर अगर पतला होगा तो हमारे पुए कैसे बनेंगे। तो मैं दोनों में आपको डिफ्रेंस दिखाऊँगी। यहाँ पर तेल भी हमारा गर्म हो गया है, आप चाहें तो इसे तेल में फ्राई कर लें या फिर आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक करछी हम इस तरीके से बैटर लेंगे। पहले थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स आप डाल के देखें, ये देखिए बबल्स बन रहे हैं ना, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके तेल गर्म हुए हैं कि नहीं हुए हैं। बैटर को हमें एक ही जगह पे ड्रॉप करना है, इसे फैलाना नहीं है। पुए अपने आप ही ऊपर फूल के ऊपर आ जाएंगे, आपको इसे पलटना है उसके बाद, उससे पहले आपको इसे छेड़छाड़ नहीं करना। तो इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि एक साइड से अच्छे से बिल्कुल हमारा पुआ सिक चुका है, इसे हम पलट देंगे और दोनों साइड से इसे हम सुनहरा कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पुआ हमारा बिल्कुल फूल के एकदम मोटा सा पुआ बना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बैटर में थोड़ा और पानी ऐड करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि पुआ हमारा कैसा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने बैटर को थोड़ा पतला किया है, आप बैटर की कंसिस्टेंसी इस टाइम पे देख सकते हैं, बिल्कुल मैं इसे पास से दिखा रही हूँ आपको। तो इसे एक धार में हमें बैटर को गिराते जाना है और हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको दोनों साइड से अच्छे से सुनहरा होने तक हमें सेक लेना है। तो ये देखिए कितने सुंदर से हमारे पुए बिल्कुल फूले फूले तैयार हो रहे हैं। जब आपको लगे कि एक साइड से पुए हमारे सेक चुके हैं, उसके बाद ही आप इसे पलट दें और दोनों साइड से सुनहरा होने तक के लिए आप इसे फ्राई कर लें। तो इसी तरीके से बाकी के सारे पुए को हम बना के तैयार करेंगे। अगर आपकी कढ़ाई या पैन थोड़ी बड़ी साइज की है तो आप एक बार में 2 से 3 पुए भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे से सुनहरे हो गए पुए हमारे, तो इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी के भी सारी बैचेस को इसी तरीके से हम फ्राई करके तैयार करेंगे।
तो यहाँ पे पुए हमारे फ्राई हो चुके हैं और चाशनी यहाँ पे ठंडी हो गई है, पर पुए हमारे गर्म हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों में से कोई एक चीज़ को गर्म रखना है, तो यहाँ पे पुए को इसमें हम डीप करेंगे और इसे हमें 2 से 3 मिनट तक के लिए रखना, अच्छे से चाशनी में डुबो लेना है। उसके बाद जब चाशनी अब्सॉर्ब हो जाए ना, तभी इसे हम निकालेंगे। तो एक बार में जितना आएगा उतना हम डाल देंगे कढ़ाई में, इसे अच्छे से हम चाशनी में अच्छे से डुबो देंगे। तो अभी से एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारे मालपुए बनके तैयार हैं और बाकी के मालपुए को भी इसी तरीके से चाशनी में डीप करके हमें निकाल लेना है। तो ये हमारे चाशनी वाले मालपुए बनके तैयार हैं। इसकी गार्निशिंग करेंगे थोड़े से पिस्ता के कतरन के साथ।